आई डॉक्टर हरीश गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। तो बच्चों, आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूनिट सेकंड का फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। उसका फर्टिलाइजेशन में मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, टुडे आवर टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन होता किस प्रकार है। तो वो उसके लिए पहले हमने बात करी थी एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इसमें हम आज बात करेंगे इसकी क्रियाविधि क्या है निषेचन की। तो निषेचन की क्रियाविधि के लिए हम, क्योंकि ये इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब ये कंटिन्यूशन में नेचर ने तो ऐसा बताया नहीं है कि मतलब ये स्टेप हो जाएगी फिर उसके बाद दूसरी स्टेप होगी, लेकिन ये सब कंटिन्यूशन में चलती हैं सारी प्रोसेसेस। लेकिन उनको फॉर द सेक ऑफ स्टडी वी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, वो हम उसको स्टडी की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से हमने उनको अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। तो सबसे पहला जो हम जो पांच पार्ट में हमने इनको डिवाइड किया है वो है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी उसका जो है शुक्राणु का ओवम तक या अंडाणु तक का पहुंचना, मतलब वहां तक पहुंचे। दूसरा है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, यानी ये उसको हिंदी में बोलते हैं योग्यतार्जन, यानी गेमिट्स का जो है उनसे संपर्क और वहां तक उनको पहुंचना या योग्यतार्जन उसको पाना उसको। तीसरा जो है दैट इज़ एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, इनको हम एक एक करके फिर पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो थर्ड जो है दैट इज़ एक्रोसोम रिएक्शन, जो एक्रोसोम, पहले यहाँ थोड़ा सा बता दें, एक्रोसोम इस एपिकल पार्ट ऑफ द स्पर्म, और फिर उसका पेनिट्रेट करना विद इन द ओवम और वहाँ फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फिर थर्ड जो है, फोर्थ जो है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एग, जो उसको जो है एक्टिव करना या सक्रिय करना एग का, यानी अंडाणु का एक्टिवेशन। एंड फिफ्थ है दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, प्रोन्यूक्लियाई मींस जो एग एंड एज वेल एज ऑफ स्पर्म, इन दोनों का फ्यूजन हो। तो आज हम यहाँ से वन बाय वन एक एक करके इन सारे उनको हम पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इज दैट इज अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। तो जो इसको भी हम ये सारी स्टेप्स में भी हम बात करें कि जो भी सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी इन दोनों का पास में आना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि नॉर्मली जो एग जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं। यदि हम बात करें, यदि यूं समझो कि जैसे ये स्पर्म है, हम स्पर्म की बात करें तो उसके कंपैरिजन में और एग जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो यानी इनका जो है वहाँ तक पहुँचना, मतलब उनका ये नॉन मोटाइल है, ये इनके अंदर, क्योंकि इसके अंदर फ्लैजेलम होता है, तो फ्लैजेलम होने के कारण ये थोड़े से मोटाइल होते हैं, साइज़ में भी छोटे हैं तो ये काफ़ी फास्ट होते हैं, लेकिन एग इन कंपैरिजन जो है वो नॉन मोटाइल और साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। तो इनके पास पहुँचना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है कि यह किस तरीके से हो। तो इसके लिए नेचर ने ये प्रोवाइड किया कि एग तो जो है एक है और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, उनकी छोटे होते हैं साइज में, इनका नंबर भी काफ़ी होगा, यहाँ पर बहुत सारे नंबर होगा यहाँ पर। इसके अलावा जो गेमिट्स की लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत छोटी होती है, तो ये इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये बहुत जल्दी जो है, क्योंकि लाइफ साइकिल छोटी है तो वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाए, नहीं तो फ्यूज़न हो जाए, यदि फ्यूज़न नहीं हुआ तो वो वहीं डेड हो जाएंगे, वहाँ मर जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इसके लिए जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनके लिए हमने पॉइंट्स में हमने जो बात करी कि जो इसको जो हम बात कर रहे हैं कि जो मेल एंड फीमेल गेमिट्स हैं वो सेम टाइम पर जो है विसर्जित हों या दोनों एक टाइम पर आए, ताकि उसी टाइम पर मेल और फीमेल दोनों, क्योंकि लाइफ साइकिल दोनों की छोटी है
तो दोनों फ्यूज़ कर सकें। तो फर्स्ट जो अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, उसमें हम जो बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल जो हैं वो गेमिट्स जो है सेम टाइम्स पर जो है विसर्जित हों। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि जो ये जो इनके जो डिसमिसल जो है, प्रोरोगेशन जो हो एग का, यानी जो स्पर्म का जो है नियर एग हो, मतलब जो यदि हम इसके अंदर बात करें कि यदि यहाँ पर एग है तो वो जो उसके बिल्कुल पास इस इसके नियर बाई एरिया के अंदर हो, तो जो यानी बिल्कुल उसके वहीं पे पास में हो। और वैसे यदि विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल यदि वहाँ पर स्पर्म को यदि छोड़ा जाता है तो वहाँ पर जो बॉडी लिक्विड जो होता है उसके द्वारा वहाँ पे उनके अंदर ये जो भी स्पर्म्स हैं वो वहाँ से वहाँ तक उसके अंदर ट्रैवल करके और नियर बाई ओवा पहुँचते हैं। तीसरा जो है इसके अंदर इस सारी बातों के लिए कि जिससे मैक्सिमम नंबर जो है, मतलब उसका फ्यूज़न का यदि जो संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़े, तो उसके लिए नेचर ने फिर ये बात करी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है बहुत ज़्यादा हों ताकि फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हों। इसके अलावा जो इसके अंदर कंपैरेटिवली साइज़ ऑफ एग जो बड़ी है, जो मैंने पहले ही बात करी, तो जो इसकी जो साइज़ काफ़ी बड़ी होगी तो आप भी बात समझ में आ रही है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत छोटा है, इसका पूरा सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है, तो ये इससे नेचर ने जो प्रोवाइड किया यानी उसकी सरफेस एरिया काफ़ी एग का बड़ा हो जाएगा और स्पर्म का छोटा है। तो यहाँ पर जो नेचर ने कहा है कि इस जो कंपेरेटिवली साइज़ जो बड़ी होगी इस एग की, तो वो वहाँ पर उसको फ्यूज़ कर सके और इससे वो वापस उसको फ्यूज़ कर सके। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, या गेमिट्स का संपर्क एंड योग्यता अर्जन, मतलब उसके पास, मतलब अपनी हिंदी में जो वर्ड है योग्यता अर्जन, यानी योग्यता मतलब ले वो अपनी उसमें कैपेसिटी उसमें ये डेवलप हो कि वो वहाँ तक वो पहुँच सके और उससे कॉन्टैक्ट कर सके। इस मीन्स स्पेसिफिक यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्लियर कट समझा दें कि यहाँ पर इसका जो मीनिंग है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट का, तो यहाँ पर यह है कि कैपेसिटेशन का मीनिंग जो है कि निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है वो बड़ा स्पेसिफिक है, मीन्स एक ही जाति के जो स्पर्म है उसी प्रजाति के अंडे को निषेचित करते हैं, न कि वो अन्य प्रजाति के अंडों को, यानी एक ही स्पीशीज़ वाले जो है एक ही को करेंगे। इस क्रिया को विभिन्न जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनने अपनी अपनी अलग थ्योरीज दी हैं, उनने एंटीजन एंटीबॉडी के संदर्भ में इसकी व्याख्या की है। तो इसको यदि हम बात करें तो कीमोटैक्सिस की हम एक्शन भी मान सकते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर भी बहुत स्पष्ट देखने को मिलता है, लेकिन अपन जूलॉजी के अंदर जो बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है इनके अंदर जो जो पूरा एरिया है वो उसके आसपास का जो कह रहता है उस एरिया को थीका एक लेयर कहलाती है, उनके जिनको थीका के चारों ओर देखा जा सकता है, मतलब जो एग के चारों ओर जो एक लेयर जो है वो थीका लेयर कहलाती है और उसके आसपास वो लगे हुए होते हैं। इस को देखने के लिए स्टर्जियन और लैम्प्रेज में देखा जा सकता है। तो इनके अंदर होता क्या है कि जो पूरा एग है इसके अराउंड जो है वो एक पूरा एनवलप जो बना हुआ होता है, उस एनवलप में कोई एक आध कोई भी जगह जो होंगे वो एक फाइन पोर होता है जिसको कि हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और वहाँ से ही उस नियर बाई माइक्रोपाइल जो है वो उसके अंदर फ्यूज़ करते हैं। इसको एक डायग्राम से यदि समझने की कोशिश करें हम, तो जैसे ये पूरा यहाँ से ये तो जो है काफ़ी एनलार्ज व्यू बना रहा हूँ, तो दैट इज़ माइक्रोपाइल होगा, और ये जो नीचे वाला जो हम पूरा बात कर रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से ये एग साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ नियर बाई जो है वो बहुत सारे आप स्पर्म समझ सकते हैं कि वो स्पर्म जो है वो यहाँ आ जाते हैं, तो कोई एक जो है वो इसके अंदर से एंटर करेगा और उसके बाद ये बंद हो जाए और वहाँ से ये
इसको फ्यूज़ करें। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अपनी थ्योरीज दी। उस थ्योरीज के अंदर सबसे पहले जो है लिली कॉन्सेप्ट जो है उनने जो है सी अर्चिन के एग्स के अंदर इसको बताया। इनने बताया कि जो जो भी रिसेप्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिसेप्टिव मॉलिक्यूल्स फर्टिलाइजिन है, और फर्टिलाइजिन एक प्रकार का रिसेप्टिव मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोसैकेराइड्स लाइक आप बात कर सकते हैं जैसे ग्लूकोज हैं, फ्रैक्टोज हैं, गैलेक्टोज, इस तरह के पाए जाते हैं। ये मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा जो है एस्टर्स होते हैं। इनमें दो प्रकार के हम जो बात कर रहे हैं दो प्रकार के सक्रिय एक्टिवेशन पॉइंट पाए जाते हैं। जैसे हम पूरे इसके अंदर जो बात करें तो वो यदि इसको नेक्स्ट उससे यदि हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि जैसे ये एग है, ये पूरा मैं एक उसका कुछ रीज़न बना रहा हूँ जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ये जो है ये तो जो अलग जो रीज़न जो है जहाँ से कि वो इसके अंदर फिक्स हो सकता है दैट इज़ स्पर्मेटोफिलिक साइट, यानी स्पर्म को जो पसंद कर रहा है या स्पर्मेटोफिलिक यानी जहाँ पर स्पर्म्स जो है स्पर्मेटोफिलिक साइट, और कुछ जो है वो इसी प्रकार दूसरी कुछ हो सकती हैं वो ओवोफिलिक हो सकती हैं। तो ये यानी जो हम जो बात करें और ये फर्टिलाइजिन, ये जो हम जो बात कर रहे थे पहले फर्टिलाइजिन, यानी जो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन का दोनों का रिएक्शन होगा, तो यानी जो ओवोफिलिक साइट है और जो स्पर्मेटोफिलिक साइट है यानी इन सब जगह जाके स्पर्म्स आके लग गए, लेकिन कोई एक, ये इतनी सारी जो आपको नज़र आ रही है इनमें से कोई भी एक साइट जो है वो डिसॉल्व होगी जहाँ से स्पर्म कैन एंटर और जहाँ से फिर इनका दोनों का वो होगा। यदि इसको हम यूँ बात करें कि ये भी स्पर्म, ये जैसे स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर भी लगे लेकिन कोई एक थी, अगेन दिस इज हम बात करें स्पर्मेटोफिलिक साइट है, तो यहाँ पर जो है इनके अंदर यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। इससे हम जो बात करें कि यहाँ से स्पर्म ब्लॉक नहीं करेगा लेकिन इससे जो है वो एंटर कर सकता है, यानी ये जो यदि यहाँ पर इससे जस्ट बीनीथ यदि हम बात करें ओवोफिलिक, तो वहाँ ओवोफिलिक नहीं है ये, तो ये ओवोफिलिक जो साइड जो दोनों बनी हुई थी तो वहाँ पर ये ब्लॉक हो गया है और ये सिर्फ किसी एक जो साइट है उस एक साइट से वो एंटर कर सकेंगे। तो यहाँ इस डाइग्राम से आपके बाद बेसिक बात समझ में आ गई। अब हम जो इसको वन बाय वन यदि हम बात करें तो लिली ने इसको सबसे पहले जो है सी अर्चिन के एक्स के अंदर बताया था कि इनमें मॉलिक्यूल जो फर्टिलाइजिन कहते हैं, जो फर्टिलाइजिन एक प्रकार का जो मैंने बताया कि एक मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने हुए होते हैं, इनमें इन मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज भी हैं, फ्रैक्टोज भी हैं, गैलेक्टोज भी हो सकते हैं। तो जो स्पर्मेटोफिलिक साइट जो है वो यहाँ पे जो हमने जो दोनों बात जो अभी जो डायग्राम से जो समझाने की कोशिश करी थी, जो स्पर्मेटो, जब तुम सोच रहे हो कि दोनों ही मतलब यहाँ पर लिख दिए सर ने, लेकिन इनफैक्ट यदि हम एक लाइन की बात करें यदि इसको और एनलार्ज करके देखा जाए तो ये इनर साइट तो जो कहलाएगी ओवोफिलिक, और ये वाली जो बाहर पार्ट यदि हम इस वाले पूरे इस रीजन की बात करें तो जो ये वाला जो है ये स्पर्मेटोफिलिक है। तो ये जो दोनों बाहर की मतलब जो बाहर वाली साइड है स्पर्मेटोफिलिक है, जो इनर साइड है वो ओवोफिलिक है। तो इसके अंदर इसकी यदि मैकेनिज्म को समझने की जो बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उसका स्पर्म का जो एपिकल पार्ट है एंटी फर्टिलाइजन सहित उसके अंदर एंटी फर्टिलाइजन मॉलिक्यूल्स के स्पर्म जो स्पर्मेटोफिलिक पर जाकर चिपक गए, और वो चिपक गए इस प्रकार एक ही जगह छोड़कर सभी अंडे में स्नेह स्थल पे या उसका ओवोफिलिक जो है
वहाँ से वो रुक जाता है और इसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो इस प्रकार ये एक्टिवेशन किया गया यहाँ पर। और इससे एक और इसको यदि समझ में नहीं आया हो तो अगेन आई विल क्लियर इट। इस डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से वापस से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको हम अब डबल लेयर में बना के कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। ये एक ही लाइन को इसको बड़ा करके बोल रहे हैं, एक पे ही जस्ट बताना चाह रहा हूँ, दो में तुम्हारे समझ में आ जाएगा। ये साइज़ छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, जो भी पोर साइज़ है। तो ये वाला जो बाहर का जो आउटर पार्ट है दैट इज़ स्पर्मेटोफिलिक, और ये जो है दैट इज़ ओवोफिलिक। तो जैसे हमने जो बात करी कि जो जो जितने भी जहाँ पे स्पर्म तो इन सब जगह जाके लगे, लेकिन इनके अंदर जो कोई सा भी जैसे इस वाली साइज़ पे यदि हम और जगह बात करें तो ओवोफिलिक साइट जो हैं अंदर की जो साइटें हैं वो ब्लॉक कर दी जाती हैं, यानी ये ब्लॉक कर दी जाती हैं। तो सिर्फ कोई एक जो है माइक्रोपाइल वो खुला रहेगा जिससे ये अंदर की तरफ एंटर करेगा। इसके बाद जो दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि कईयों ने साइंटिस्ट ने जो इनके बारे में बताया, तो दूसरा था दैट इज़ टाइटलर कंसेप्ट जो 1963 में बताया गया। इनने यही सब कुछ बताया, इसके अंदर ये बताया कि फर्टिलाइजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे फ्लैजेलम कुछ फाइन जो है वो निकले हुए होते हैं। तो उसको डायग्राम से वैसा ही कुछ इनने भी समझाने की कोशिश किया, मोर और लेस वैसा ही था कि जैसे ये माइक्रोविलाई इनके ऊपर, यहाँ पे जो हम बात करें यहाँ से डायग्राम की, तो इनके अंदर ये माइक्रोविलाई निकले हुए होते हैं। और जैसे यहाँ स्पर्म का हेड आया, ये स्पर्म हेड है और इसके चारों ओर जो बना हुआ है दैट इज एंटी फर्टिलाइजिंग, और यहां पर जो है ये जो है दैट इज फर्टिलाइजिंग। तो इनसे ये इनको दोनों को पकड़ लिया, यानी यहाँ पे जो हम जो यूं बात करें और यहाँ से ये दोनों बात करें और ये स्पर्म आया, तो वो उनके फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों को कंबाइन कर लिया। और इसके बाद जैसे जहाँ पर जैसे ही हुआ और माइक्रोपोर से जो है वो अंदर की तरफ एंटर कर गया और उसके बाद ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यानी ये जो मैकेनिज्म ऑफ कैपिटेशन अकॉर्डिंग बाय टाइटलर जो है उनने इसको बताया, टाइलर इनने इसके बारे में बताया था, टाइलर कंसेप्ट। तो दिस इज़ अबाउट टाइलर हुआ। फिर उसके बाद वासरमैन एंड सेलिंग कंसेप्ट आया, उनने भी मतलब अलग तरीके जोना पेलुसिडा और जो जोना जो जोना इस मतलब डिफरेंट एरिया लाइंस मतलब है सभी के अंदर, यहाँ पे जो हम जो जितने एरिया जो हम बात कर रहे हैं इस तरीके से जो बना हुआ है उनके अंदर ZP1 मतलब जोना पेलुसिडा जो है वो ZP1 है, दूसरा ZP2 है, ZP3 है, तो वो अलग अलग जोना रीजन्स बने हैं। और जहाँ पर ये जोना दोनों एक दूसरे से जो उसके साथ का होगा वो स्पेटियल अरेंजमेंट होगा ZP1 P2 एंड P3, तो वहाँ से ही वो जुड़ेगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है दैट इज़ एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम आज हम दो बातें तो आपके बहुत समझ में आ गई होंगी कि ये किस तरीके से मतलब यहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद हम वन बाय वन एक और, क्योंकि हमने सबसे पहले बात करी थी अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवो, वहाँ हमने बात समझ में आ गई, कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, इसके अंदर कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट के अंदर हमने डिफरेंट थ्योरीज को बात करी। फिर जो आएगा दैट इज़ थर्ड इज़ एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, यानी हम जो बात कर रहे हैं एक्रोसोम का जो रिएक्शन है वो मैकेनिकल भी हो सकता है, यानी जो माइक्रोपाइल जो है यानी जो पोर है उससे वो अंदर की तरफ आए, और दूसरा हो सकता है केमिकल मेथड।
तो मैकेनिकल यानी बस वो यहाँ तक जो स्पर्म है वो मूव करता हुआ आया और वो इसके अंदर मूव करा, तो ये सब कुछ एक यांत्रिक क्रिया यानी मैकेनिकल सा प्रोसेस हुआ, इसलिए इसको हमने मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। और होता इनफैक्ट क्या नेचर में कि दोनों और हमने दूसरा जो बात कर रहे हैं दैट इज़ केमिकल मेथड, तो केमिकल में भी जो है उसके अंदर कुछ रिएक्शंस इस तरीके से हों कि वो उसका अप्रोच वहाँ तक पहुँच सके। तो ये तीन चार प्रकार से हम जो बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, जहाँ पर भी यदि पानी के अंदर यदि है तो वो एसिडिफाई कर जाए, ऐसा हम जानते हैं कि एसिड जो है वो कोई सी भी मेम्ब्रेन हो उसको गला देगा, तो गला देगा तो वो वहाँ से उसके अंदर फ्यूज कर सकेगा। या बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम, जो प्रोनेज एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स भी क्या करते हैं उसको एक्टिवेट करा प्रोनेज एंजाइम को और वहाँ से वो उनको उसको मेम्ब्रेन को वापस वही वीक करा और वहाँ से वो हो जाए फ्यूज कर जाए। या एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम, तो यहाँ ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो ये सी अर्चिन और इनके एग्स के अंदर देखा गया कि इनसे वो नस वो पूरा जो फॉस्फोलिपिड जो अंडों के ऊपर जो सबसे ऊपर जो पाया जाता है दैट इज़ फॉस्फोलिपिड ए, वो उसको गला देगा और उसको गलाने से होगा क्या कि वो अंदर की तरफ एक्ट कर जाएगा। और फिर लास्ट होता है दैट इज़ एक्रोसोम रिएक्शन, जब एक्रोसोम रिएक्शन जो है वो एग का अंदर की तरफ उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, और ये हमने एस्ट्रीएस या हाइड्रोडिया इनके अंदर या मैमल्स के अंदर बहुत अच्छे से इनका स्टडीज़ की गई है। और वो जो उनने बताया कि इसका स्पर्म के अंदर जो एपेक्स पार्ट होता है एक्रोसोम, वो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और उनके अंदर जो है वो जो डिफ्यूज़ होने वाले एंजाइम्स जो है, डिफ्यूज़ मीन्स जो उनको गलाने वाले, डिफ्यूज़ नहीं या मतलब लयनकारी एंजाइम्स होते हैं जो उसको स्पर्म को पेनिट्रेट करके और वो उसके अंदर उसको पूरी क्रिया को कंप्लीट करते हैं। फिर अब इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे एक्टिवेशन ऑफ एग कैसे होता है, ये अगेन थोड़ा सा लंबा है, इसके अंदर भी चार पांच पॉइंट हैं। फिर फ्यूज़न ऑफ प्रोन्यूक्लियाई या फ्यूज़न ऑफ गेमिट्स प्रोन्यूक्लियाई, गेमिट्स के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं उनका फ्यूज़न हो। तो थैंक यू, कल फिर हम इसके बारे में आगे फर्दर पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।